रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। 15 दिन में दूसरी बार खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। दुकानदार, होटल संचालक शटर गिराकर हुए भूमिगत, पब्लिक हुई परेशान। रायसेन जिले के बेगमगंज में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के निर्देशन पर बनाई गई खाद्य, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त दल के द्वारा 15 दिन में दूसरी बार होटल एवं किराना दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, तो शहर में अनेक होटल एवं किराना दुकान संचालक अपनी अपनी दुकानें बंद करके भूमिगत हो गए, जिससे आम जन सामान की खरीद फरोख्त के लिए परेशान होते नजर आए। वहीं चाय की दुकान, पान की दुकान, किराने की दुकान, ये सब दुकानें बंद हो गई, जिससे आम नागरिक परेशान हुए। वहीं संयुक्त दल के द्वारा करीब आधा दर्जन स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर सैंपल जांच के लिए लिए तथा साफ सफाई करने के निर्देश दिए। जो व्यापारी दुकान बंद करके भूमिगत हो गए थे, एसडीएम सौरभ मिश्रा के निर्देशन पर टीम द्वारा पंचनामा बनाए जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई। हम आपको बता दें कि जब पहली बार छापा पड़ा तो 3 स्थानों पर खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी। दूसरे दिन अफवाह फैल गई कि फिर से टीम आई हुई है और दुकानें दिन भर के लिए लोगों ने बंद करते रहे, कोई खोलता रहा कोई बंद करता रहा। लेकिन आज शुक्रवार को कार्रवाई में जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी और एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार आरएस देशमुख, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह राजपूत एवं खाद्य निरीक्षक पूर्णिमा श्रीवास्तव की संयुक्त टीम के द्वारा नए बस स्टैंड, राहुल भोजनालय, गांधी बाजार में मदन नेमा होटल एवं देवेंद्र कुमार जैन किराना दुकान के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री के नमूने जब्त किए। एक भोजनालय से आटा एवं पनीर और दूसरे जगह से नुक्ती, आटा, तेल एवं 2 घरेलू गैस सिलेंडर तथा नए बस स्टैंड पुलिया के पास से किराने दुकान से बेसन एवं अन्य खाद्य सामग्री के नमूने जब्त कर उन्हें सैंपल के लिए पैक किए गए। अधिकतर दुकानें, किराने की होटलें बंद होने के कारण दूर दराज से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग सामान खरीदने के लिए, नाश्ता पानी के लिए परेशान होते दिखाई दिए। वहीं जो दुकानदार अपनी दुकानें या होटल खोले हुए थे, उनकर जमकर चांदी काटी गई। उनकी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज फिर दूसरी बार अभी इसी महीने में जो दुकानों की पहले से शिकायतें हैं, खाद्य सामग्री असुरक्षित और ऐसी बेच रहे हैं जो सामान्य जन के लिए नुकसानदायक है, वहाँ जांच की और सैंपल्स लिए। और आज ये भी देखा गया कि कुछ टीम के आते ही साथ कई दुकानें बंद हो गई, उनको चिन्हित कर लिया गया है, पंचनामे भी बनाए गए हैं। और आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि यदि कुछ गलत नहीं जिन्होंने किया है तो वो क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो ये पक्का है कि लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको आगे चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी अनुभागों में, सभी तहसीलों में ये कार्रवाई हो रही है और आगे भी जारी रहेगी।